इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। बाय। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, रेडी नहीं तो अदरवाइज तो मैं 9:30 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। बाय। आज किरण 8 बजे ही ऑफिस जा रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और साइक्लोन की वजह से मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है एंड मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, तो मौसम अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। स्कूल को छुट्टी है, ऑफिसेस को छुट्टी नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस। बाय द वे मैंने पूजा को छतरी लाने के लिए भेजा, क्योंकि जब मैं निकली थी तब बारिश नहीं थी, पर जैसे मैं नीचे उतरी तब तक बारिश चालू हो गई। तो जस्ट वेटिंग आ गई मैडम एंड सुबह के 10 बज रहे और राज की बिल्कुल भी बातों में मत आए। उन्होंने बोला है कि 8 बज रहे, नहीं सुबह के 10 बज रहे। ये है आज का मेरा मेकअप और ये है पूजा, छतरी लेके आ गई। चलो फिर निकलते ऑफिस। ग्रीन रूम एंड थोड़ा सा मेरा ग्रीन रूम जो है ख़राब हो रहा है, तो मुझे इसे वापस पेंट करवाना है एंड अगेन शूटिंग फॉर ब्यूटीफुल हमेशा मराठी। एंड अभी मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ मराठी के साथ, काफ़ी जो वर्ड्स है मैं ढंग से बोल पा रही हूँ। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है एंड कुछ है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, तब तक मुझे शूट करने दीजिए। बाय बाय। ओके, तो काम हो गया है मेरे ऑफिस का और मैं फाइनली घर जा रही हूँ। उससे पहले मुझे एटीएम जाना है एंड बारिश हो रही है। दिसंबर के महीने में, जून के महीने या जुलाई के महीने के जैसे बारिश हो रही है, तो छतरी खोल लिया जाए। छतरी खोल ली है मैंने। ओके, बहुत ज़ोरों से नहीं हो रही है पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। आप देख सकते हो ज़मीन पूरी गंदी हो गई है। ओह माय गॉड, बड़ा मज़ा आ रहा है। और मुंबई में वैसे भी बारिश होती रहती है, तो वैसे कुछ नया नहीं लग रहा है, बट दिसंबर में बारिश हो रही है इसकी ज़्यादा खुशी है मुझे। मतलब मैंने सुना है 2-3 दिन ऐसी बारिश होने वाली है एंड आई लव 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 बारिश का मौसम। ओके, तो चलिए मैं पहले घर चली जाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अभी बज रहे 1:45 एंड जस्ट मैंने एक वीडियो को फाइनल टच दिया है, फाइनल हो गया है उसका काम। एंड जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी, गुड न्यूज़ एंड ऑल दैट, कि मैं यूट्यूब के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ एंड 8 दिसंबर को आप सभी को पता चलेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर करूँ एंड बस मतलब वही सब चल रहा है। और इसी वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है एंड वो सारी जो मेहनत अभी बन चुका है वीडियो, तो उस वीडियो में दिख के आ रही है, तो इट रियली मेकिंग मी हैप्पी एंड या। एंड अभी मैं अपना लंच कर रही हूँ एंड लंच होने के बाद आई हैव टू शूट लॉट्स ऑफ वीडियोस। मतलब बहुत सारा पेंडिंग मेरा काम पड़ा है, तो वो सारा मुझे ख़त्म करना है एंड या। तो 8 को आप सभी को पता चलेगा, इसलिए डोंट आस्क मी एनीथिंग। ओके, मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, फ़ैन एंड ऑल सब बंद कर दिया गया है एंड या बारिश कंटिन्यूसली धीरे धीरे हो रही है एंड अनिका क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ। आई एम बैक।
लाइक यस, अभी अभी मैंने एक वीडियो शॉट किया है, मेरा क्लोथिंग हॉल था और हॉल वीडियो को शॉट करने के बाद जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे उन्हें वापस लगा लिए हैं। आई डोंट नो आप इसमें से उस कपड़े को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो, बट फाइनली मैंने एक वीडियो जो है हॉल वीडियो वो शॉट कर लिया है। हॉल वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, लगी तो धीरे से आने का ना। एंड ये अनिका जिसने ये वेलवेट वाला टॉप पहना था जिसकी स्टोरी आपको पता है। एंड या अभी मैं जा रही हूँ सेकेंड वीडियो शॉट करने के लिए, राइट? एंड उसके बाद हम तीसरा वीडियो करेंगे। तीसरे वीडियो में अनिका भी मेरे साथ है क्योंकि अनिका का भी एक बॉक्स आया है तो अनिका उसे शॉट करने में मुझे हेल्प करने वाली है शूट करने में, राइट? एंड बाय द वे मैंने मेरी मम इन लॉ का एक न्यू हेयर कट किया है, उन्हें अपने बाल बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम पार्लर जाके आपके बाल छोटे करवा लें जैसे मेरे हैं। एंड उन्हें एक्चुअली वो आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं उन्हें संडे को लेके गई थी पार्लर। तो बता क्या रही हूँ, आप खुद ही देख लो। देखा आपने हेयर स्टाइल कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स एज यूजुअल, ओके? एंड मेरी मम इन लॉ तो काफ़ी खुश है उनके छोटे बालों के साथ। बड़े बालों के साथ उनको क्या होता था ना कि कभी मैं बाल बनाती थी, कभी पूजा बनाती थी, कभी अनिका भी बना देती थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, थोड़े से लड़कियों वाले नखरे आप सभी को पता है जैसे हम सारी लड़कियाँ नखरे करती है। तो मैंने उनको सबसे अच्छा बोला कि बाल ही काट देते हैं, ये जो चोटी एंड ऑल का ना झंझटी नहीं फंसेगा। तो शी सेड हाँ ये ज़्यादा कूल आइडिया है, यही करते हैं। एंड शी लव्ड इट। एंड मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया है, मतलब मेरे जो भी हस्बैंड की तरफ की फैमिली है उनके साथ भी ये फ़ोटो व्हाट्सअप पे शेयर किए एंड उन्हें भी काफ़ी पसंद आया कि ओके कुछ नया किया है, उन पर कुछ अच्छा लग रहा है। आई एम व्लॉगिंग बेबी, ये देना। ओके शी इज़ पूजा एज यूजुअल, आप सभी को पता चल गया है कि शी इज़ बैक विथ बैंग। या ओके तो चलो जस्ट कैमरा को चार्ज होने का वेट कर रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके तो फाइनली मैंने शूट कर लिया है ये वीडियो एंड मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने बैकग्राउंड को ऐसे अच्छे से बनाकर फिर वीडियो बनाना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मेरे को ना ये इसमें बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ये चीज बुक करिए। कैसे करेंगे वो लोग, टॉप बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी पर ये मेरे साइज का ऊपर है। ओ तो चलिए शाम के 4:30 बज रहे हैं। स्मेल करिए, स्मेल करिए, टीवी से आ जाएगा, टीवी से आपको स्मेल आ जाएगा, ऐसे करना। ओके ऐसे करिए। और किस चीज़ की स्मेल आई प्लीज मुझे बताइए, कहीं आपको टमाटर की तो नहीं आई, कभी आपको ऑरेंज की तो नहीं आई, पाइन एप्पल की स्मेल है? ये हनी की स्मेल है, इधर हनी। राइट, ओके चलिए बाय बाय। ओके तो अनिका ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है एंड आई थिंक आपको भी वो क्वेश्चन सुनना चाहिए। हाँ बेबी तुम क्या पूछ रही थी? बुढ़े हो के भी वीडियो बना पाऊंगी। कैसे? ऐसे कैमरा पकड़ के मैं हेलो एवरीवन। तो कैसे बोल पाऊंगा, फिर चेंज हो जाएगा क्या वो आवाज?
हाँ आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो सब लोग गाली देंगे आपको? नहीं, उनको पता रहेगा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो फिर वो गाली नहीं देंगे। अच्छा। समझी? हाँ। तुम मेरे वीडियोस देखोगी ना? हाँ, बड़ी होके पर कैसे बनेगी, इसके लिए डॉक्टर बनना छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम डॉक्टर भी बन सकती हो और तुम यूट्यूबर भी बन सकती हो। दोनों? ऐसे कैसे? ऐसे ही। तो आई एम वेयरिंग दिस स्वीट सा कार्डिगन जो कि मेरे स्वीट से सब्सक्राइबर ने और उसकी बहुत ही सुंदर सी सिस्टर ने मेरे मीट एंड ग्रीट पर गिफ्ट किया था। एंड जब मैं उसे पहन रही थी तो मुझे उन दोनों की बड़ी याद आ गई थी। तो यस, काफ़ी काम आया मेरे ये कार्डिगन। और आज मैंने खाने में बनाया है पालक और मेथी की सब्जी मिक्स, ओके, एंड आंवला का चटनी, आंवले की चटनी और दाल चावल। तो आई रियली होप कि आपको मेरा डिनर अच्छा लग रहा होगा। 1, I'm really sorry कि लास्ट नाइट मैं सही से व्लॉग नहीं कर पाई। हुज द ईडियट जो कि सोसाइटी के अंदर हॉर्न बजा रहा है, मतलब लोगों को थोड़ा भी क्या बोलते हैं कॉमन सेंस या थोड़ा भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है कि आप एक रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा नहीं कर सकते हो। जब वॉचमैन नहीं है वो आ जाएगा, गेट खोल देगा, क्यों मतलब वो क्या उड़ के नहीं आएगा? ओह माय गॉड। ओके, चलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, सबको रिप्लाई कर रही थी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड हम लोग फिर से बात करेंगे। राइट नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक। ओके, आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा है। यू गाइस आर बेस्ट, लव यू, बाय। तो लास्ट थोड़े दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ ये निविया बॉडी लोशन, वाइटनिंग, कोल्ड सेंसेशन। ये मुंबई के वेदर के लिए अच्छा है, नॉट गुड फॉर दिल्ली का एक्सट्रीम कोल्ड वाला वेदर। बट आई थिंक इसका ये जो है ना पंप बार 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 लॉक हो जाता है, आई डोंट नो। और जब मैं इसे पंप करने जाती हूँ ये मेरे मुंह पर लोशन फेंक देता है धाड़ करके। एंड कल मैंने ये वाली नेल पॉलिश लगाई थी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखो कितनी गंदी लग रही है, आई हेट इट। पहले मैं तैयार होकर ना सबसे पहले इस नेल पॉलिश को निकालूंगी। ओह माय गॉड। ओके, तो आई जस्ट शॉट माय वीडियोस फॉर टू चैनल्स, राइट? एक था इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए और एक था ब्यूटीफुल हमेशा मराठी साठी। आणि आज मी शूट केला आहे तांब्याच्या भांड्यामध्ये पाणी पिण्याचे महत्त्व। हां, देखा मेरी मराठी इतनी भी खराब नहीं है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो यस, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड हाँ, ये मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है जिसे मैंने अपने साथ रखा था, आई डोंट नो। हाँ, मुझे फ़ोटोज़ भेजने थे और मेरा जो कार्ड का जो रीडर है, कार्ड रीडर है मेरे मैक का, वो इतना अच्छे से काम नहीं करता। एंड ये नया है तो इसका अच्छा करता है। वैसे आप अपने हस्बैंड की कौन सी चीज़ यूज़ करना पसंद करते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़। ओके, मुझे उनका परफ्यूम यूज़ करना अच्छा लगता है, लैपटॉप यूज़ करना, हेडफोन, टी शर्ट, उनका चिकन का जो पीस होता है उसे साफ़ करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो आधा खाते हैं एंड फिर फेंक देते हैं, आई वाज लाइक नहीं, इसमें अभी भी और है। तो मैं उनकी हड्डी साफ़ करती हूँ, दैट्स फनी।
थोड़ा सा अनोइंग है बट या आप क्या क्या करते हो प्लीज़ लेट मी नो ओके प्लीज़ एंड या दैट्स इट ये था रेड रेड जूस जिसे पीने से मेरे लिप्स रेड हो जाते हैं और मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ फिर जस्ट किडिंग गाइस आई नो आपको भी पता कि मैं मजाक कर रही हूँ तो ये था कोकम शरबत जो कि मेरा फेवरेट है कोकम जो है महाराष्ट्र में मिलता है एंड काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाता है एंड काफ़ी टेस्टी भी होता है बहुत लोगों को पसंद नहीं है जैसे राज को नहीं पसंद है बट मुझे पसंद है तो मे बी मैं यहाँ की हूँ तो मुझे पसंद है वो यहाँ के नहीं है तो उन्हें नहीं पसंद है मे बी बट मैं कभी भी पी सकती हूँ इसे ओके एंड या दैट्स इट नथिंग स्पेशल कुछ खास नहीं आज बना है करेला क्योंकि मम इन लोग को जब शुगर होता है तो करेला ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मुझे भी अच्छा लगता है करेला खाना उससे मेरा भी मतलब थोड़ा सा जो भी शुगर बॉडी में जा रहा है कम हो जाता होगा राइट एंड या मैं कितनी बड़बड़ कर रही हूँ तो चलिए इस वीडियो को बाय करती हूँ आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरी मम इन लॉ का हेयर कट पसंद आया होगा एंड क्या पसंद आया प्लीज़ लेट मी नो ओके एंड या टिल देन बाय प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड अगर पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना होता है उस रेड बटन को जो आप क्लिक करेंगे और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक करेंगे तो मैं जब भी यूट्यूब पर आऊँगी आपको पता चल जाएगा हाउ क्यूट खुद को क्यूट बोल रही हूँ मैं एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ या मैं कुछ ज़्यादा मुँह बनाती हूँ बट इन रियल लाइफ मैं ऐसी ही हूँ मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ फुल ऑफ पॉजिटिवनेस से भरी हुई हूँ एंड मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि जो मेरे दिल में है वो मेरे फेस पर है मैं छुपा नहीं सकती हूँ तो मैं ऐसी हूँ अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है तो या देखिए नहीं लगता है तो मत देखिए ओके सो टिल देन बाय